بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر حیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈھالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈھالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا I'm طاہرہ شریف I joined Exploreville School on 1st March 2023. Aapki taleem? I have done my master's in economics from FC College University, Lahore. And from 1996, I have joined APS Muzaffarabad as a teacher. And I resigned, you can say Alhamdulillah, got retirement in 2022 as vice principal. I was promoted in 2004 as vice principal, worked there, performed there, and Alhamdulillah, after getting lot many achievements, I resigned due to some my personal problems, and after taking rest of 7 to 8 months, now I joined Exploreville School. This school, we have our head office in Islamabad, and this owner of the school is Madam Nusrat, who are working as
director of the school. And when we started in 2017, the school was having only 100 roundabout approximately strength from initial classes, elementary classes from pre-G, KG, prep 1. And gradually it got progress, and mashallah, alhamdulillah, our first 10th class appeared in federal board exam. Presently they are appearing in exam. And now the strength is more than 620, more than 600 plus. We are having teaching faculty of 42, and along with the sports staff and non-teaching staff. Message of school. Message of the school for students or for parents, sir? Parents. सर, पेरेंट्स के लिए तो मैसेज ये है कि माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स जो हैं इस लोकेलिटी के, मैंने देखा है, दे आर वेरी कंसर्न अपने बच्चों के बारे में, बड़े पर्टिकुलर्स हैं, बड़ा फिक्रमंद होते हैं उनके एजुकेशन के लिए, और उसमें काफ़ी कॉपरेशन भी है उनका, हमें उससे तो कोई उनकी नहीं है. वैन एवर इन PTM स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, होमवर्क क्लास वर्क कम्प्लीशन में बच्चों की. जो मुझे पर्सनली फील हुआ है स्कूल में आके, और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है प्रीवियस स्कूल का, जो करंट सिचुएशन है या अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द स्टूडेंट्स, मैं उस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगी पेरेंट्स की, वो है बच्चों का विदाउट सुपरविजन और मॉनिटरिंग जो सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत बढ़ रहा है. और मेरा नहीं ख्याल कि एज अ मदर, मैंने जो अपने बच्चों की तरबियत के उस हवाले से मैं अपने तजर्बे पे कहूँगी कि बच्चों को अप टू क्लास, मिनिमम अप टू क्लास 10th और आफ्टर FSC, कि उनको सोशल मीडिया इंटरेक्शन दिया जाए, और अगर ज़रूरी है जहाँ देना तो प्लीज़ वो अपनी सुपरविजन में दें, अपनी मॉनिटरिंग में दें, क्योंकि बच्चे बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं उस चीज़ की वजह से. पढ़ाई तो मुतासर हो रही है, लेकिन जो हमें उनकी एक्स्ट्रा ग्रूमिंग और लर्निंग और तरबियत देनी है उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इसमें हमें कोऑपरेशन चाहिए, कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से, गैजेट से, मोबाइल से, ये लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, इनसे दूर रखें, और अगर कहीं यूज़ करना है तो अपनी सुपरविजन में, अपनी मॉनिटरिंग में. आई एम इकरा शाहनवाज. आई हैव डन MBA फाइनेंस फ्रॉम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. नहीं, मेरे ख़ानदान में तो मैं फर्स्ट थी जिसने MBA किया. बस मेरा अपना शौक था, वैसे बेसिकली मेरा शौक था कि मैं बैंकिंग की तरफ जाऊं, लेकिन फिर जब मैंने MBA कंप्लीट किया तो फिर कुछ बैंक्स की, हमारे आपको पता है कि कल्चर ऐसा है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, बैंक की जॉब फिर अलाउ नहीं हुई मुझे. तो फिर मैंने ज्वाइन किया, फ़र्स्ट टाइम मैंने एक्सप्लोर व्हील को ही ज्वाइन किया. 4 ईयर्स से मैं यहाँ काम कर रही हूँ. तो कैसा लगा आपको यहाँ काम कर? मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हमारे ऑनर हैं सर नईम हैं, मैम नुसरत हैं, उनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा. और लाइक मैं किसी और जगह मैंने अप्लाई भी नहीं करने की कोशिश. अच्छा मैम, ये कहें कि बच्चों के वालिदैन को शौक है यहाँ पे, मिलती है आपसे? हाँ, पेरेंट्स के साथ तो मेरी ही डीलिंग होती है, क्योंकि मैं एडमिन ऑफिसर हूँ यहाँ पे, काम कर रही हूँ एडमिन ऑफिसर. तो मेरे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा मेरी ही डीलिंग होती है, तो अच्छा है. पेरेंट्स के साथ कोऑपरेटिव भी हैं. समटाइम्स पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, उनको भी इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन यह है कि डील हम कर लेते हैं, हम भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं. तो पढ़ाई के हवाले से तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, होमवर्क का. इवन कभी बच्चा कोई एबसेंट हो जाता है, वो डायरीज फ़ोन करके लेना, बहुत ज़्यादा बच्चों का स्टडीज़ की तरफ बहुत उनकी है कि तवज्जो होती है. बच्चों के वालदेन के लिए आजकल तो जो सबसे बड़ा जो मसला हमारा चल रहा है, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये चीज़ें जो पेरेंट्स और बग़ैर किसी मॉनिटरिंग के दे देते हैं हम बच्चों को. पेरेंट्स देते हैं, हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं, हम भी उनको दे देते हैं. और जो होती है ना मदर्स, बेसिकली आजकल वो क्या करती हैं कि कार्टून्स बच्चों को लगा के दे देती हैं. अगर हम उसमें भी देखें तो बहुत सी वो कार्टून्स जो होते हैं ना, उनमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए. तो बच्चों को अगर आप देते भी हैं, कुछ टाइम उनका रख लें आप, टाइम ड्यूरेशन हो उसमें बच्चे देखें बेशक, लेकिन मॉनिटर ज़रूर करें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं. तो मेरा ये पैगाम है पेरेंट्स के लिए.